हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 7 फॉर क्लास 8, टेबल प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे टेबल टेबल की क्या प्रॉपर्टीज़ है इसमें, ये हम जानेंगे। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कैन बी अप्लाइड ऑन अ टेबल टू इन्हेंस इट्स लुक एंड अपील। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ इसमें दी हुई हैं, ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम अपने HTML में की प्रोग्रामिंग में अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, इससे हमारी टेबल की जो जो हम टेबल जो उसमें जो बनाएंगे, जो वेब पेज में बनाएंगे, वो क्या होगा, उससे हमारी टेबल और उसका लुक और अच्छा होगा और वो अच्छा दिखेगा। अब टेबल में बॉर्डर बनाने के लिए, दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन स्पेसिफाइंग द बॉर्डर विद बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड इट्स सेल। ये क्या करता है, ये बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, ये टेबल में बॉर्डर बनाने के लिए, यानी बॉर्डर की विद है, बॉर्डर की स्टाइल है, बॉर्डर का कलर है, ये सब डिफाइन करती है बॉर्डर प्रॉपर्टी। ये देखिए, यहाँ पर ये बॉर्डर देंगे, इसके बाद में वैल्यू डालेंगे, वैल्यू में उसकी विड्थ डालेंगे हम बॉर्डर की, फिर बॉर्डर स्टाइल डालेंगे, फिर बॉर्डर कलर डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कैसे हम उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट देंगे। द टेक्स्ट अलाइन एंड वर्टिकल align properties are used to set the horizontal and vertical alignment of the text respectively in a table। यानी कि हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन सेट करेंगे। दीज प्रॉपर्टी आर यूज्ड विद द TH टैग और TD टैग। ये क्या, ये TH टैग यूज़ करते हैं या TD टैग, ये इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में TH या TD टैग यूज़ किए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द हॉरिजॉन्टल अलाइन फॉर द कंटेंट ऑफ TH, बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल के लिए TH हम यूज़ करते हैं, इज सेंटर अलाइन एंड TD इज लेफ्ट अलाइन, जो TD होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, वेयर एज द डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट इज सेट टू मिडिल, और जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो मिडिल में सेट होता है। ये देखिए, ये दिया हुआ टेक्स्ट अलाइन वैल्यू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वेयर आर वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट सेंटर राइट, जो भी हम देंगे वहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगी। अगर वर्टिकल अलाइन में देंगे तो टॉप बॉटम मिडिल जो भी हम देंगे वो वहाँ पर, वो वैल्यू वहाँ पर सेट हो जाएगी। अब ये देखिए, इसका ये एग्जांपल से आप इसको इसको समझ सकते हैं। जैसे ये हमने नोट पैड ओपन किया, नोट पैड में ये प्रोग्रामिंग आपको लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, नोट पैड हमने ओपन किया, प्रोग्रामिंग आपने लिखी, प्रोग्रामिंग लिखने के बाद उसमें अपना नेम लिखेंगे, वहाँ पे सेव के बाद में नेम लिखेंगे, नेम को .html, आप कोई भी नाम लिखने के बाद किस लोकेशन पे आपको सेव करना है वो आप देंगे लोकेशन। इसके बाद में फिर अपना नाम लिखने के बाद, या जो भी आपको नाम अपना देना है वो लिखने के बाद .html विदाउट एनी स्पेस नहीं होना चाहिए कोई भी, वो लिखने के बाद सेव कर देंगे। और इसके बाद में आप इसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वेब ब्राउज़र पे रन कराएंगे, फिर अपनी फाइल की लोकेशन देंगे, तो आपका ये वाला पोर्शन आपका आउटपुट में आएगा। अब देखिए, इसमें स्टार्टिंग में HTML दे दिया, हेडिंग दे दी, टाइटल के अंदर क्रिएटिंग अ टेबल दे दी, स्टाइल में बॉडी, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड का जो भी बैकग्राउंड का कलर, जैसे इसने लाइट येलो रखा है तो बैकग्राउंड का कलर लाइट येलो हो गया। यहाँ पर टेबल का TH और TD टैग से ये बॉर्डर इसका डिफाइन कर दिया गया कि 1 pixel सॉलिड ब्लू है, तो ये देखिए, ये आपका ब्लू कलर शो कर रहा होगा बुक में, ये देखिए, ये सॉलिड ब्लू कलर है। इसके बाद में फिर इसमें जो टेक्स्ट की हेडिंग जो टेक्स्ट का है वो भी ब्लू कलर से कर दिया गया है, ये देखिए जो हेडिंग है टेक्स्ट का वो भी इसमें ब्लू कलर से ही शो करके कर दिया गया है। इसके बाद में फिर हम यहाँ स्टाइल ये बंद क्लोज कर दिया हमने, फिर हेड क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी। अब
कैप्शन में हम डालेंगे कि क्या हेडिंग है। कैप्शन क्या होती है? हेडिंग होती है, यानी जो भी हम टेबल जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो हेडिंग है। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, कैप्शन क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे तो आपका ये है एज ए टेक्स्ट शो करेगा आपके इस पे जो आप वेब ब्राउज़र करेंगे, तो यही चीज़ हो सकता है आपके जो वेब ब्राउज़र में आए वो यही चीज़ लिख करके आए पूरा। तो ओपनिंग टैग अगर आपने लगाया है किसी भी चीज़ का, तो अगर उसका क्लोजिंग टैग है तो आप उसका क्लोजिंग टैग ज़रूर लगाएंगे, उसका क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी है। अब इसके बाद में देखिए, ये यहाँ पर ये आपने सीरियल नंबर दिया। सीरियल नंबर के बाद ये जो भी ओपनिंग टैग, जैसे TR टैग का ओपनिंग टैग दिया था, स्टार्टिंग में दिया था, तो लास्ट में TR टैग लगाया। इसके बाद में TH टैग लगाया सीरियल नंबर में। फिर नेम में पहले सीरियल नंबर लिखा, ये देखिए यहाँ पे ये सीरियल नंबर इधर है। इसके बाद में नेम है, तो ये देखिए यहाँ पे ये नेम वाला है। इसके बाद में ग्रेड है, तो ग्रेड है। हर एक लिखने के बाद हम उसका क्लोजिंग टैग लगाते जाएंगे, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग लगाते जाएंगे। तो ये देखिए ये आपका इस टाइप से ये आ जाएगा। इसके बाद में अब ये देखिए ये ये फिर से TR टैग में वन वन लिखा, उसके बाद में फिर बिंदु वन में बिंदु लिखा, फिर ए लिखा। तो ये देखिए ये पूरा इस टाइप से ये पूरा ये शो कि ये 1 2 3 ये पूरा योगेश और साक्षी ये पूरा यहाँ तक पूरा हो गया। अब हमने इसको टेबल टैग और बॉडी टैग फिर HTML से इसको पूरा हमने क्लोज कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर हम ये पूरा दे दें तो ये आपका ये इसका जो ये अगर हम इसका प्रोग्रामिंग में ये लिख दें तो आपका जो आउटपुट आएगा उसमें आउटपुट पे ये आपका शो कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से उसमें कंप्यूटर पे लिख करके और ये अपनी प्रोग्रामिंग HTML की इसको क्लियरली समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।